दिखाओ कितनी लगाई है। जो तो गाइस टैटू था, उस टैटू पर पता नहीं क्या क्या ही किया, मतलब समझते ही बाहर है, ब्लडिंग हो रही है इसके यहाँ पे। ऐसा कुछ लगा ले, वैसलीन लगा ले या फिर कोई ऑयल वगैरह लगा ले। कैसे हो गई? पता नहीं अपने भी हो गया, काफ़ी लगा लिया उसमें, ख़राब हो जाएगा फिर ऐसे टैटू, अगर उसको ऐसा करती रही तो। ये ध्यान रखना, वाइस उठने से पहले इसने खून का छिड़क लिया अपने हाथ पे, क्या ही बताएं। चलो कोई बात नहीं, उठा बिट्टू फटाफट से। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओगी 47 व्लॉग्स। तो गाइस सबको जय श्री राम, जय सी राम, जय सीताराम। गाइस उठते उठते इसने देखो अपने लगा भी दिए। चलो उसका कुछ इलाज कर दूँ पहले मैं, फिर उसके बाद फ्रेश अप वगैरह हो लेते हैं और फिर चाय नाश्ता करते हैं। आज चल रहा है गाइस ब्रेकफास्ट में उपमा, उपमा का हलवा है, सूजी का हलवा है। कौन सा हलवा बोलते हैं इसको? बिट्टू का हलवा, बिट्टू भाई का हलवा स्पेशली। बताओ ना क्या उपमा। हाँ ऐसा कैसा होता है ये टट्टी सा? किसी दस कर दियो तेरी कसम, बिट्टू मैं खाने का मन नहीं करेगा फिर। तो मत खाओ, मैं खा लूंगा। वैसे भी चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से खाने वाने दे रहे हो। अरे तेरी भाई, सच बता रहा हूँ, देख। अरे नहीं, मेरे खाने मत करो, लेथन करके दिखा दूँ। नहीं मन नहीं करेगा मेरा खाने का। क्या दिक्कत हो गई है? बैठ के दिक्कत हो रही है, नहीं पा रही। इस वजह से गाइस हमने ना किचन में कर दिया सेटअप, बिट्टू को नीचे अब जमीन पे आ रही है। अभी ये ऊपर थी, अभी आ रही जमीन पे, अर्थ से फर्श पे है अभी फिलहाल ये इस टाइम, क्योंकि ऊपर रोटी बनाने में दिक्कत होती है, मतलब पेट वेट भी निकल जाए तो उसमें स्लिप में लगता है, स्लिप में लगता है, नीचे बैठा नहीं जा रहा। इस चक्कर में तो बिट्टू ने बोली कि रोटी बना दूंगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बैठ के ना दर्द होगा ना सांस फूलेगी, दिक्कत हो रही है तो फिर खड़े होकर बना ले। नहीं यार, खड़े होकर पेट लगता है, दर्द होता है। और समस्याएं हैं तो काफी लाइफ में अब। चलो कोई बात नहीं, जैसे भी अब नीचे रख दिए तो नीचे से बना लो, अब ये बैठ के आराम आराम बन जाएगी, जैसे कि हवन कर रहे हो। हवन हवन कुंड मस्तों का झुंड। कहाँ से सीखी ये वाली रोटी बनाना? खुद से सेल्फ। अब ये तो बहुत छोटी है, इसको क्या देखना, कोई बड़ी बनाओ थोड़ी। भाई बड़ी नहीं, फिर मोटी बनेगी, इतनी पतली और इतनी अच्छी बनाई है। चलो कच्ची तो नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, छोटी से क्या मैं और ज्यादा बना दूंगी, दो खाओगे चार बना दूंगी। हाँ ये भी है, देखिए वही इसका आटा कितना चिकना लगता है, खराब हो जाएगा। ले भाई थंबनेल के लिए फोटो ले लिया हमने यहीं कहीं। चल ठीक है, तो फिर कर दो जैसा तेरे को उचित लगे वैसा कर दे। चटाई क्यों, यहाँ पे का पात है रही है? अरे आप यहाँ पे बैठ के खाओगे ना मेरे पास, तो ठीक है, मैं उठ के दे नहीं पाऊंगा, आप बार बार आने पाएंगे। क्योंकि तुम भी छोटे हो और हम भी छोटे हैं अभी। गाइस ये माँ जी का ब्लॉगर का कैमरा का सेटअप पूरा, अमाई ने भी अपना ब्लॉगिंग चैनल शुरू कर लिया है। नाम क्या है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, अन्नू ब्लॉग्स। अन्नू ब्लॉग्स, अच्छा तो ठीक है। ओप्पो F27 प्रो प्लस कैमरा विद एक मिनी ट्राईपॉड कह सकते हैं, इसको शूट करेगा ये, और एडिट भी यही करा करेगा माँ जी। और माँ जी ने बोला हम इसको डेली की दिया करेंगे 10 रुपए पर ब्लॉग शूट करने पे, है ना? मैंने कहा कहीं पैसों की नहीं, तूने नहीं गई ना, बट माँ जी ने बोल दिया कि माँ जी दिया करेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी का वैसे खाना लिखा रही है ना, तो ये सब लोग मारी बताएंगे, आया हमारे घर पे मक्के की रोटी बनी है, क्या है कैसे सब चीज़ें, और एडिट भी तुझे ही करना है, कर ले पूरा। बहुत बढ़िया यार, फिर मेरा भी कर दिया करिए, अगर एडिटिंग अच्छी लगी तो फिर मेरी भी कर दिया करिए, ठीक है? एक दो दिन में हम होम टूर कराएंगे, ठीक है? हाँ होम टूर कराएंगे, घर दिखाएंगे हमारी घर पे क्या क्या है, कैसे है, क्या सब, तभी तो लोग जुड़ेंगे, एकदम जड़ से जोड़ना चाह रही है हमारी सबको, छोटे से एकदम छोटा 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 तभी तो बड़ा बड़ा बनेगा। गाइस नहा धो के सेट, राजा बाबू एकदम बाइसेप का साइज देख रहे भाई, प्रॉपर आ रहा है। अब निकलते थोड़े से सफर पे बाहर घूमने के लिए भाई, सुबह से घर पे पैक काम करते करते हो गए बोर, और अब जाके नहाने का टाइम मिला भाई। टाइम देखो 4:30 बजे, बीमार होने वाले पूरे पूरे लक्षण है, बट कोई दिक्कत नहीं, बीमार नहीं होंगे। अब निकलते हैं, सबसे पहले जाएंगे चिराग भाई के पास, फिर वहाँ के बाद देखेंगे क्या सेटअप है, फिर आगे का कुछ, और फिर आज कहीं निकलेंगे लंबे टूर पे। मैं बताऊँ आई एम जा रहे हैं घूमने, हम और चिराग, पता पड़ेगी अभी बेटा जब तुम घर पे अकेली रहोगी, जब लाइव चेक करना हमारी लाइव देखोगी हम निकल गए तब मालूम पड़ेगा। और ये तो लॉस हो गया, वो वाली लाइन आएगी, क्या करूँ अभी जा रहा हूँ, लेट हो जाऊँ, ब्लॉग बंद कर दे। देखो ये फर्जी और ये हकीकत, गलत वो दिख रहा है इसमें, ये हकीकत और ये फर्जी। गाइस हम लोग कर रहे हैं ट्रिप, देखो
वो गाड़ी का नंबर दिखाऊंगा बाइक का, भाई चालान कर देना क्योंकि बीच वाले की है, मेरी तो है ही नहीं, मेरी होती तो भाई दिक्कत थी, मेरी है नहीं तो वो कोई दिक्कत नहीं, तीन क्या चार बैठा लो। ओ भाई कॉल आ रही है, रुको आराम आराम चलना भाई, इतना दिक्कत हो जाएगी चालान वालान हो जाएगा, बीच पे चालान है भाई, अपना बीमा है, है? अपना बीमा मजा आया जी, क्या था अपने नहीं डालनी इतनी कैपेसिटी, देख इसकी इतनी हो गई, कह रहा इतनी बस नहीं बढ़ गई है, पहले से खत्म से ही तो शुरुआत होती, कह रहा है ये मैं डाल, ओ आंटी अंकल जी लाने लायक नहीं है दोनों ही भाई, मेरी बेइज्जती कराते हैं, कैमरा देखते गन चला भाई, लुल्ली दिखाओ, लुल्ली कैमरे में नहीं बनेगी, कैमरे में दिखेगी नहीं, इतनी छोटी है ये, पूरी लाइन बोलो ना, पता क्या सुन, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया भाई ऐसे उचक गई जाएगी, अरे मूत्र तो भाई मूत्र, इसमें क्या देखो चूचू तो मान लो, और देखो छोटी है तो किसी की बड़ी है, सुन तो लो, सुनना लुल्ली मारी गाइस, आज एक सीनेरियो हो गया भाई के साथ, एक बहुत तगड़ा सीनेरियो, कैसा वाला सीनेरियो हुआ, मैं गया चश्मा बनवाने, ये वाला बनवाया मैंने आज, जो कि परसों वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, इसने तोड़ दिया था बदतमीज ने, शकल देखो उस बदतमीज की, देखी सीट मार्क्स लगा रही है बदतमीज, तो आज मैं गया बनवाने भाई, तो उसके पास थी बहुत सारी भीड़ शॉप वाले पे, तो मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बना लो, तो उसे मेरे को नंबर मालूम था, मतलब काफ़ी टाइम संजो बड़ा बदतमीज है भाई, बिस्किट का पैकेट खा गई है, तो उसे मेरा नंबर पता था भाई, तो जब भी जाते हैं हम तो बना देता, वो कोई दिक्कत नहीं, उसे मेरा नंबर मालूम है क्योंकि मैं उसी पे जाता हूँ जब भी मेरा चश्मा वगैरह बनना होता है भाई, वो आज एक्स्ट्रा चले गया, अच्छा इतना एक्स्ट्रा चले गया कि पॉइंट एक पूरा ही नंबर गायब कर दिया उसने, कम नंबर का बना दिया, उसके बाद जब मैं चश्मा लगा के देखा पहना तो मुझे थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा उसमें धुंधला दिखाई दे रहा, मैंने क्लियर नहीं दिखाई दे रहा भाई, और ये थोड़ी दिक्कत है, तो मालूम क्या कहता भाई आप थोड़ी देर बाद लगा रहे हो, मतलब आपका टूट गया ना और आप मतलब उसको टाइम बाद लगा रहे हो, थोड़ा इसके लिए दिक्कत हो रहा है, यूज टू हो जाओगे एक आध दो घंटे पहन के देखो, मैंने भाई उसकी बात भी बड़ी रखी, आज शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाली, लो भाई दो दिन ही कंटेंट डालते तो अभी डाल देंगे, तो ठीक है भी डाल देंगे, कहता एक दो घंटे लगा लो यूज टू हो जाओगे भाई, देखा तो एक घंटा नहीं मैं दो घंटा भी कर लिया भाई, कुछ नहीं दिख रहा, धुंधला ही दिख रहा उससे भी, फिर जब मैं उसके पास पहुंचा कहता नहीं, उसने लिया थोड़ा साफ किया आधा टेढ़ा सेट किया, कहता लो अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लगे कल आना, अरे भाई फिर तिवारा गया मैं उसके पास अपना पुराना वाला टूटा चश्मा लेके, उसने नंबर मिलाया, कहता भाई मिस्टेक हो गई नंबर का, मैंने कि भाई यार कुछ भी कर रहा है उसका, मतलब कोई सेंस है आपका, कहता नहीं पूरे एटा में कहीं मैच करा लो, कहीं पे भी अगर कोई दिखा दे कि इसमें नंबर का, मैंने भाई वो बात तुम्हारी ठीक है बट मेरे को नहीं दिख रहा तो दिक्कत हो रही, मतलब हो रही है ना, यूज टू वाली कोई बात ही नहीं है, यूज टू हो जाओगे एक दो घंटे पहन लो, फिर जब लगवाया और जब दिखवाया मेरा पुराना वाला, उससे जब मैच हुआ तो भाई अरे क्या कह रही इसकी सुन लो, क्या है बताओ बदतमीज, हाँ रुक जाओ बाबू बता दे पूरा मटेरियल, बता दे मटेरियल, अरे यो ना माने देखो बता बता क्या चाहिए बाबू, अरे ऊपर आ, फिर उसके बाद भाई कुछ नहीं हुआ, नंबर बदलवाया, फिर कहता एक घंटे बाद आओ, एक घंटे में नया बना के देता हूँ, फिर बना के लाए, तब जाके बना भाई, मजा आ गया, ऐसे ऐसे चूतियास पड़े हैं अपने शहर में जो कुछ भी करके दे रहे हैं, अब ये नहीं बनाने देख ब्लॉग, क्या चाहिए बाबू करो कुछ ही करो, प्यार करो, अरे प्यार के नाम पर भाग गई, क्या नहीं हो रहा, कोई समस्या आ गई गाइस इसके मिनी ब्लॉग में, कर ड्रामे कर, तेरे हमेशा यही रहता है, जैसे कैमरा चालू होता है ना, पता नहीं गाइस इस केस में भी कुछ दिक्कत आ गई मिनी ब्लॉग में, देखना एक्सपोर्टिंग पे आएंगे करेंगे और ग्रिंच और कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या आ रहा है, देखो फिर करेंगे और फिर नहीं होगा, पता नहीं है क्या दिक्कत है, इसको देखो बस चुपचाप देखो ड्रामे देखो उसके, बिट्टू भूत बन नहीं गया तुझे, कौन सा मास्क निकाल लिया, ले ये लगा लेगी ना तो ये भी डर जाएगा मट्टू अपना, अरे भाई ये तो भूत वाला है, आप भूत बन रहे हो, आपको डराऊंगी मैं,
रात में सुबह आपको टॉयलेट के लिए लेके गई पता है क्यों? हाँ? मैं सपना देखा था बहुत बुरा सा सांप वगैरह देखा था। सांप देख लिया सांप आपसे कौन ही डरता है जो बताओ मैं डर रही थी और पता है मैंने ऐसा देखा था सपना कि मतलब मैंने सांप देखा और मुझे सांप काटेगा ये थंबनेल के लिए हो गया भाई तेरा ये सही है भूत या एक मेरे भी लगा दी थी मैं भी गोरा हो जाता ये पता है मेरे को कभी गोरा देखना चाहती नहीं है होने नहीं देगी मेरे को गोरा क्यों कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं ना खुद ही लगाती है मेरे को नहीं लगाने देती मुझे पता है क्यों ये जलती है इसे मालूम है गोरा हो जाऊंगा तो भाई तेरी वेली सेट हो जाएगी दो चार मार्केट में। हाँ क्या भाई देखो जो हकीकत है जो हकीकत है इसमें कोई दो राय नहीं है वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई ऐसे ही ठीक है यार इतना भी काला नहीं है। रेमेडी हाँ वो कल सिंड्रेला बनाया था वाली रेमेडी जी वाली रेमेडी लगा मेरे भी ये नहीं आप छोटे हो छोटे भी भूत आ जाएगा इसमें से निकल के हैं तो रहने भैया वो तो गुस्से में वैसे डल लगे भैया मट्टू कौन है ये मट्टू जी और कैरी रुक जा कौन है रे मट्टू डर जाएगा ये भयभीत हो गया अभी खा लेगा ओ उरे कर कौन है कौन है भाई अटैक करो देख दे आएगी नहीं पर आएगी नहीं देख देख क्यों डरा रही है इसको क्यों ठंडा नहीं लगता नहीं अरे भाई खुशबू तो अच्छी है इसकी क्या ही कह रहे ना भैया मुझे माफ कर मट्टू इधर आओ ओह हल्की सी चल रही है भाग गई ना भैया प्लीज ना 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 मुझे नहीं 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 हाँ क्या है इसमें कह रही हूँ ना भैया कुछ नहीं हुआ क्या हो जाएगा इससे मैं नहीं लगा रहा था बिट्टू यार माल आ गया इससे होगा क्या सुंदर हो जाओगे अरे यार ये आ गई इसके लगा दे ले हाँ मट्टू देख 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 तेरे चक्कर में मेरे पे कैसे आती है रुको सिंजो अरे यार ये नहीं मानेगी मट्टू इसको क्या हो गया क्या है कह रही घर में भूत आ गया थी है ना गाइस चेहरा चमक रहा मेरी कसम चमक रहा भाई इसमें देखेगा भाई ठंडा है बिट्टू ये ठीक ही है इससे होगा क्या लेकिन गोरे पिंपल आ गए ना अरे तेरी ये लगा के ये डरा दे मट्टू आएगा मट्टू नहीं आ रहा अब तो डर गया सच में भी आएगा देखिए वो खड़ा मट्टू मट्टू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई एक वो खोल ले ब्यूटी चैनल उस पर ये टिप्स एंड ट्रिक्स डाला करो लोगों से पूछो ये तो कोई टिप्स ही नहीं है ना ही कोई ट्रिक है ये तो लैक्मी का कोई वो लिखा लिया तूने पैकेट और ये पता नहीं कहा नैपकिन सी लगा ली तमाशे बाजी सेंस है भाई हॉली लग रही है चल मेरे और लगा दी तो चुपक रहा यार चलो गाइस कपड़े वपड़े चेंज करते हैं लेटते हैं सोते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और व्लॉग को कहीं पे एंड करते हैं इसका रात भर ड्रामा चलेगा टाइम देख लो अभी 12 बज रहे हैं अभी तो व्लॉग एंड होगा फिर उसके बाद एडिट होगा फिर एक्सपोर्ट होगा इस चक्कर में हाँ यार अभी तो गैस धूम ताएं धूम ताएं धूम ताएं धूम ताएं तो गाइस आप लोग व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ 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 ऐसी डेली रूटीन लाइफ व्लॉग्स देखने के लिए और कमेंट करके बताना क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज खराब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय लव यू गाइस आप लोग खुद बताओ मैं क्या करूं भैया इतना सड़क पाद रहे हैं बिट्टू ऊपर से बिट्टू नहीं मानोगे एक बार ना बिट्टू एक बार नहीं इतनी तेज से मारा है ना मैं हिल गई वो के बाय टच हो गया हां तो क्यों टच कर रहे हो कमर के अंदर से बदबू आती है ऐसे खिसकती हुई एक ही बार किया था सच
तो क्यों कर रहे हो, सड़ा क्यों कर रहे हो? जाओ पार्टी करके आओ, जाओ तो आ दोगे वो भी सड़ा सड़ा। परेशान करके रख दिया यार मुझे गाइस, यार इतना कौन पाटता है? क्या यार मानोगे कि नहीं मानोगे ये बता दो पहले। दूसरी बार किया, मतलब दो मिनट में दो बार पाट दिया है वो कह रही दूसरी बार किया है। लिमिट होती है बट किसी चीज़ की, रोज एडिटिंग करती हूँ उस टाइम ही आपका ये पाट शुरू होता है। लेट जाता हूँ क्यों, खड़े होकर अभी जितना निकालोगे गाइस यार एडिटिंग नहीं करने देते हैं मेरे को इतना सड़क। मैं सच बता रही हूँ इस ब्लैंकेट को ना मैं उड़ती हूँ, मुझे आदत पड़ चुकी है बदबू की तो मैं उड़ लेती हूँ। आप लोगों में से ना कोई उड़ नहीं सकता, इस ब्लैंकेट को तो सड़ी बदबू आएगी। कमल उड़ के देखो अब देखना कैसा मुँह बनाएंगे मेरे को देखना। सास को तक से बंद कर सकता हूँ। कौन क्या हुआ, क्या हुआ है मुझे? मैं मौत को छुपे टक से वापस तेरी कसम गाइस। चौंद आ रहा है, चौंद चौंद है। देखो आएगा तो बंद नहीं कर लेंगे क्योंकि तो उधर पिछू करके सो ना। छोटे क्या बोलूं, आप तो कुछ कह भी नहीं सकती। कोई एक कुछ बना लो कल पता एडिटिंग के बाद ही मेरी जब बना गई चटपटे में भूख लगी थी और उसी चीज़ की लपक लग गई मेरे को आज फिर से। मैं सो रही हूँ, सुबह करूंगी एडिटिंग, ठीक है? सो ही जाओगे, कल मिलते हैं।